ऑब्जर्वेशन और सोशल एनालिसिस। ऑब्जर्वेशन यही है कि आप एक सॉफ्टवेयर को देख लें, वहाँ से आप ऑब्जर्व कर लें, उसी ऑब्जर्वेशन के बेस पे आप रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर लें। सोशल एनालिसिस आल्सो नोन एज ऑब्जर्वेशन। सोशल एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन सेम चीज़ है। ऑब्जर्वेशन इज द मेथड ऑफ कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट बाय ऑब्जर्विंग द पीपल ड्यूरिंग डूइंग देयर नॉर्मल वर्क्स। ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पर चले जाए, वहाँ पर एक काम मैनुअल हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन मैनुअल, कोई इदारा है आपके पास, वही ऑर्गेनाइजेशन में आप जाके देख लेते हैं कि डेटा किस तरह प्रोसेस हो रहा है। इसकी एग्जाम्पल ये है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में जाए, किस तरह लोग पी जमा वहाँ से पी सबमिट करवा रहे, वहाँ से फॉर्म ले रहे, फिर वहाँ से तो ये सारा डेटा किस तरह जो है हो रहे, तो वहाँ से आप ऑब्जर्व कर ले। उसी ऑब्जर्वेशन के बेस पे आप अपने रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करके वहाँ पर उस प्लान सिस्टम को ऑनलाइन सिस्टम में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, दिस मेथड इज जनरली यूज टू फाइंड द एडिशनल रिक्वायरमेंट नीडेड बाय द यूजर। व्हेन द यूजर इज अनेबल टू एक्सप्लेन देयर एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द न्यू प्रोडक्ट, द प्रॉब्लम विद द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप कस्टमर के जो है कम्युनिकेशन को पिक नहीं कर रहे, उसके आइडियाज़ को आप नहीं उठा रहे, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, तो आप वहाँ पर जाके देख ले कि वो मैनुअली किस तरह काम कर रहे, तो वहाँ से आपके पास ऑब्जर्वेशन के बेस पे आप रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। इसके जो हमारे पास एडवांटेजेस है वो है द एबिलिटी टू रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट ऑल द फाइंडिंग देयर आर ट्रू। तो वहाँ पर आप ये देख लें कि जितनी भी रिकॉर्ड्स आपके पास आ रहे हैं, जितने भी रिपोर्ट्स हैं, तो वो सारे आप कलेक्ट कर लें। इट इज़ मोर प्रैक्टिकल। जो आपके पास ऑब्जर्वेशन एंड सोशल एनालिसिस है, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ज़्यादा यूजबल है। और यहाँ पर अगर इस तरीके से आप रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर लें, तो सॉफ्टवेयर के लास्ट में आपके पास जब वैलिडेशन होगी या जो, तो वहाँ पर आपके पास एरर नहीं होगा। नेक्स्ट वे इस प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग के बारे में आप लोग ऑलरेडी जान चुके होंगे, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बताया था कि प्रोटोटाइपिंग हमारे पास क्या है। ऑलरेडी आपके पास एक जो है आपके पास एक 50% कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, उसी रिक्वायरमेंट्स को उठा के उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। प्रोटोटाइपिंग इज अ रिलेटिव मॉडर्न टेक्निक्स फॉर गैदरिंग द रिक्वायरमेंट्स। In this approach, you are getting the immediate requirement that you use to build an initial version of the solution. आपके पास already software बन चुका है, उसका एक version आपके पास है, next version में आपके पास उसी requirements को उठा के वहाँ पर थोड़ी सी changes किया गया, new prototype आप बना सकते हैं। last में आपके पास जो है questionnaires है, तो questionnaires आपके पास क्या है, are much more informal, ठीक है, and they will be good tool for gathering the requirements. अगर ये आपके पास क्या है कि आप मल्टीपल टाइप आप क्वेश्चंस बना लेते हैं, उसी क्वेश्चन को आप उसी डॉक्यूमेंट को आप कस्टमर को सेंड करके वहाँ से फिल करवा लेते हैं, उसी से फिल करवा लेते हैं, तो उसमें से भी आपके पास क्या रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट हो जाए। क्वेश्चनेयर हमारे पास तीन जगहों पर जो है ज़्यादा सूटेबल है। वन ये है कि अगर आप क्लाइंट के साथ क्या है रिमोटली कनेक्टेड है, रिमोटली मतलब ये कि आप उसके साथ फिजिकल मीटिंग वगैरह नहीं करवा सकते, या तो बहुत ज़्यादा दूर है या आउट ऑफ स्टेशन है, ठीक है, तो वहाँ पर आप एक क्वेश्चन बना लेते हैं, वहाँ ईमेल के जरिए किसी भी तरीके से आप सेंड करवा के उससे फिल करवा लेते हैं। जो दूसरा तरीका है वो ये कि अगर आप मोर देन 1000 या मोर देन 100 पीपल से डेटा कलेक्ट करवाना चाहते, तो वहाँ पर भी आपके लिए क्वेश्चनेयर जो है वो बेस्ट है। बेनिफिट्स देख ले, लेस कॉस्ट है। लेस कॉस्ट का मतलब ये कि एक दफ़ा आप लोगों ने बना दिया, बस ईमेल करके आप जो है, या आपके पास फिजिकल कन्वेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बस आप क्वेश्चनेयर बना के किसी तरीके से वहाँ कस्टमर से फिल करवा। यूज केसेस एंड सिनेरियोस, UML डायग्राम, ये सबसे फॉर्मल तरीका है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स कलेक्शन का। यूज केसेस आर बेसिकली स्टोरीज that describe how desired processes work. Okay, desired processes mean yeah, the required functionalities work. The stories include people and in software engineering terminology we call it actors. ठीक है, people की जगह हम फिर actors को use करते हैं, and describe how the solution work from a user perspective. ठीक है, कि उसी सॉफ्टवेयर को अगर यूज़र पर्सपेक्टिव से, यूज़र के नज़र से देख ले, तो किस तरह काम करते। यूज़ केसेस में भी इजियर फॉर द यूज़र टू लेट
ग्राफिकली अगर हम देख रहे तो यूज केसेस जो हमारे पास डिजाइन है, यूएमएल डायग्राम है, तो वो सॉफ्टवेयर को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसी एग्जांपल को हम देख ले तो इसमें हम देखें कि यूज केसेस का कौन कौन से है। तो यहाँ पर आप ये देख ले कि ये सारा आपके पास क्या है, एक यूज केस डायग्राम है। इसमें आपके पास ये एक्टर्स है, कस्टमर है, मेंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास क्या है, एक्टर्स। ये एक्टर्स को हम इस नोटेशन से जो है आइडेंटिफाई करते। इसी तरह ये एक्टर है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो आपके पास है ये वर्ब फॉर्म में होंगे, ये क्या करेंगे, रिलेशन को जाहिर करेंगे। कंपैरिजन है डेटा गैदरिंग टेक्निक्स रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन का, ये आप खुद से देख ले। इस पे मैं एक असाइनमेंट भी दूंगा कि अगर आपके पास क्वेश्चनेयर्स है तो गुड फॉर व्हाट, आंसरिंग स्पेसिफिक क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ डेटा, तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। प्लस, इस प्लस का मतलब इसके एडवांटेजेस क्या है, माइनस इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे, क्वेश्चनर्स, इंटरव्यू, फोकस ऑन पीपल, ठीक है। तो ये सारे जितने भी है आप इसको देख ले। इफेक्टिवनेस ऑफ द मेथड यूज फॉर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, तो इफेक्टिवनेस जो है, तो सबसे हमारे पास जो इफेक्टिव है वो है आपके पास रियूज ऑन क्वेश्चनर्स, रियूज रिक्वायरमेंट एंड क्वेश्चनर जो है ये सबसे इफेक्टिव है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में। सबसे इफेक्टिव इसलिए हासिल है, क्वेश्चनर में आप टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं यूजर से, कस्टमर से, कि किस किस्म की जो है रिक्वायरमेंट्स होगी, तो वो यस और नो में या प्रॉपर आंसर देगा कि या ये होना चाहिए, ये होंगे या ना होंगे, ठीक है। इसी तरह इंटरव्यूज है, फिर थर्ड नंबर पे प्रोटोटाइपिंग है, रियूज रिक्वायरमेंट है। रियूज यानी आप यहाँ पर इसको एक तरह से इंक्रीमेंटल ऑपरेट, इंक्रीमेंटल मॉडल या प्रोटोटाइपिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके पास एक ग्राफ्स है।